A massive fire engulfed the area about 4 kilometres in Mumbai's Aarey colony in Goregaon on Monday evening. Firefighters scrambled to contain the flame that threatened tribal residents who live in the area and plants and wildlife in the city's biggest green lung. Now, the fire department has said that they have doused the flame, and earlier the winds coming in from the hills did not help the cause really, and it was leading into spreading in the residential areas as well. In fact, Sunil Singh joining us live for more details on this. Sunil ji, janna chahte hain abhi kya sthiti hai fire ki aapke piche? Hame pehle bataya ja raha tha ki jitna Western Express Highway hai wo bhi wahan se dikh rahi thi jitna fire flames itna tez puri fire engulf ho gayi thi. Abhi ki kya sthiti hai aur kya koi injuries report hui hain? बिल्कुल, रात में जब आग लगी हुई थी, क्योंकि पहाड़ी पर आग थी और कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत दूर से भी दिखाई पड़ रही थी. पश्चिमी एक्सप्रेस जो हाईवे है वहां से भी लोग देख पा रहे थे, मलाड वेस्ट और गोरेगांव वेस्ट से भी लोग देख पा रहे थे. लेकिन फायर कर्मियों की मशक्कत से और मेहनत से उन्होंने आग पर रात में ही काबू कर लिया, और उसके अवशेष हम अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से हम सीधे उसी पहाड़ और जंगली हिस्से में है जहां पर की आग लगी थी. ये आपको राख दिख रहे हैं, अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं, और अभी भी आप देखें तो हालांकि आग बुझा ली गई, लेकिन उसके कहीं ना कहीं अभी भी धुआं उठता दिख रहा है. ये देखिए, आग यहाँ पर सुलगती आपको दिखाई पड़ रही है. तो जो दमकल कर्मी है अलग अलग हिस्सों में घूमकर अभी भी वो देख रहे हैं जहां पर आग है वहां पर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. चूंकि पूरा जंगली इलाका था, पहाड़ी इलाका है, तो गाड़ियां दमकल की यहां तक नहीं आ सकती है, तो पैदल चलकर लगभग 2-3 किलोमीटर चलकर दमकल कर्मियों ने यहां पर पहुंचे. और रात में उन्होंने जो हरी हरी टहनियां झाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही है इन्हीं को काटकर इन्हीं के सहारे से आग पर काबू पाया, आग को बुझाया. ये जो इलाका आपको दिखाएं, ये इस समय मैं इस पहाड़ी पर हूँ जो कि सीधे नेशनल पार्क भी हम इसे कह सकते हैं, हालांकि आरे कॉलोनी बताया जा रहा है. कि यहीं पे पास में आपको देखिए महाडा कॉलोनी दिखाई पड़ रही है, जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, अगर आग बढ़ती तो ये सीधे कॉलोनी की तरफ बढ़ सकती थी. और नीचे अगर हम देखें इस तरफ तो ये फिल्म सिटी का इलाका है जहाँ की फिल्मों की शूटिंग होती है, और आरे कॉलोनी पूरी की पूरी लगी हुई है. एक हरियाली आप देख सकते हैं किस तरह से हरियाली है, जैसे कि हम कहते हैं आप अंग्रेजी में जैसे लंग कह रही है, और एकदम से पुपोस फेफड़े का काम है जो कि ऑक्सीजन का काम पूरा का पूरा मुंबई के लिए करता है इलाका. यहाँ पर आग लगी थी, चिंता के विषय थी, लेकिन दमकल कर्मियों ने आग पर काबू कर लिया, आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है, और ये और जंगल में यानी कि नेशनल पार्क की तरफ ज्यादा बढ़ने में उसे रोक दिया है. साथ ही रिहायशी इलाकों में भी आग नहीं पहुंच पाई, उसके पहले दमकल कर्मियों ने आग पर काबू करके एक बड़ा और प्रशंसनीय काम किया है. सुनील जी, सोर्स पता चल पाया है आग का कि शुरू कैसे हुई? देखिए, अभी तो ये जांच का विषय है, उसके बाद पता चल पाएगा कि आग कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई. लेकिन अगर हम इस पूरे भौगोलिक इलाके को इसको देखें और उस पर अपने हिसाब से सोचने की कोशिश करें, तो ये जो इलाका है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पेड़ बहुत बड़े बड़े नहीं है, और ये आपको यहाँ पर चार दीवार यानी फेंसिंग भी दिखाई पड़ रही होगी कि इस इलाके को पूरा इस तरह से घेरा गया है. और जहां तक आग फैली है, जहां तक आपकी इस तरफ नजर जा रही हो, पूरी कई किलोमीटर तक फैली है, बहुत ज्यादा बड़े पेड़ नहीं थे. शायद ये जगह किसी को लीज पे दी गई है, या फिर किसी को अलॉट की गई है, और किसी और दूसरे निजी प्रॉपर्टी हो, ऐसा कुछ यहाँ पे महसूस हो रहा है. तो हो सकता है कि यहाँ पर बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भविष्य में होना हो, और ये पहले से ही पेड़ काफी यहाँ से काट दिए गए हैं, तो उसके लिए शक किया जा रहा है कि हो सकता है शायद आग लगाई गई हो. लेकिन अभी ये सब जांच का विषय है, दमकल कर्मी भी जांच करेंगे, साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आग अपने आप लगी या फिर लगाई गई थी.